आपकी होस्ट सुगन और आज मैं आप सभी के बीच हमारा एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है रील टू रियल। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम आप सभी को अपने इस खास प्रोग्राम में क्या बताने वाले हैं। दरअसल आज हम आपको बताएंगे उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जो बड़े पर्दे पर एक वक्त था जब काफी ज्यादा मशहूर थी, इनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे, लेकिन जैसे ही इनकी शादी हुई वैसे ही ये घर बैठ गई और अब शादी के बाद ये हसीनाएं बॉलीवुड पर्दों पर नजर नहीं आती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ हसीनाएं ऐसी हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है और उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने हनीमून पर भी चली जाए। तो फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार वो हसीनाएं कौन सी हैं, वो एक्ट्रेसेस कौन सी हैं जो शादी के बाद घर बैठ गई हैं और अब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। तो वहीं ये भी देखिए कि कुछ हसीनाएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी की लेकिन हनीमून पे जाने का टाइम तक नहीं मिला, वो भी फिल्मों की वजह से। बिना देरी के देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी रचाई, तो वहीं बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण ने अपने बाजीराव यानी कि रणवीर सिंह से शादी रचाई। बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन वहीं आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शादी के बाद बॉलीवुड की कुछ हसीनाएं ऐसी हैं जिनका बॉलीवुड करियर कहीं ना कहीं ठप हो गया है यानी कि बर्बाद हो गया है और वो हसीनाएं घर बैठ गई हैं। इसी बीच प्रियंका और दीपिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। दरअसल आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के बारे में। ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में शादी की, बॉलीवुड से किनारा कर लिया। उनकी आखिरी फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा जो 2001 में रिलीज हुई थी, इसके बाद ट्विंकल खन्ना प्रोड्यूसिंग में हाथ आजमा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहां 2001 तक ट्विंकल खन्ना को बॉलीवुड में देखा गया, जैसे ही उनकी 2001 में शादी हुई वैसे ही उन्होंने बॉलीवुड से कहीं ना कहीं अपना नाता तोड़ लिया और अब वो बॉलीवुड की किसी फिल्म में नजर नहीं आती हैं और बिल्कुल घर बैठ गई हैं। वही इस लिस्ट में नाम आता है बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जिनकी एक स्माइल पर लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं, कोई और नहीं बल्कि कैंसर से जूझ रही सोनाली बेंद्रे की। सोनाली बेंद्रे 90 के दशक की हिट एक्ट्रेस रही है, लेकिन साल 2002 में गोल्डी बहल से शादी करने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उनको आखिरी बार 2013 में आई फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में एक छोटे से रोल में देखा गया था। बता दें कि वो रियलिटी शो में नजर आती रहती हैं। फिलहाल वो न्यूयॉर्क में अपने कैंसर का इलाज करवा रही थी, लेकिन अब वो मुंबई लौट गई हैं। आपको बता दें कि अभी भी सोनाली ने कैंसर से जंग नहीं जीती है, लेकिन वो मुंबई आ गई हैं और अभी भी कैंसर से जंग लड़ रही हैं। वहीं इस लिस्ट में हम आगे बात करेंगे 80 के दशक में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में शुमार रही कभी मंदाकिनी की। आपको बता दें मंदाकिनी भी जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह गई। उन्होंने साल 1990 में मोक से शादी कर ली। उनकी आखिरी फिल्म मेरा साथी जो 1985 में रिलीज हुई थी। मंदाकिनी का नाम दाऊद से जुड़ने के बाद उनका करियर गिरता चला गया। वही इस लिस्ट में नाम शामिल होता है बॉलीवुड एक्ट्रेस असीन का। आपको बता रहे हैं कि असीन ने माइक्रोमैक्स कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा से साल 2016 में शादी कर बॉलीवुड को बाय बाय कह दिया। वहीं आपको बता दें कि साल 2015 में आई उनकी आखिरी फिल्म ऑल इज वेल थी जो बड़ी फ्लॉप साबित हुई। अब असीन लाइमलाइट से भी काफी ज्यादा दूर रहती है। चलिए अब आपने देखा कि ये वो हसीनाएं थी जो शादी के बाद घर बैठ गई और उनका बॉलीवुड करियर भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे बॉलीवुड की दो ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने हाल ही में शादी की है और इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने हनीमून पर भी चली जाए। जी हाँ, दरअसल बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और दीपिका की शादी के बाद भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या
वो दोनों भी शादी के बाद एक्टिंग से किनारा कर लेंगी। लेकिन आपको बता दें कि दोनों एक्ट्रेस इतनी जल्दी घर बैठने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों के पास ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों ही शादी के बाद इन बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली हैं। जी हाँ, जहाँ सलमान खान की फिल्म ठुकरा कर प्रियंका चोपड़ा फरहान अख्तर के साथ सुंदर स्काई पिंक में नजर आने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस के साथ एक छोटे से हनीमून पर निकलेंगे। लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो हनीमून पर कब जाने वाली हैं। लेकिन अगर खबरों की माने तो निक और प्रियंका अपने कामों से फ्री होकर तभी हनीमून मनाने के लिए निकलेंगे। वहीं अगर बात की जाए मस्तानी की, तो आपको बता दें कि बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण की तो उनकी झोली में एक से एक सुपरहिट फिल्म शामिल है, जिसमें रणवीर सिंह के साथ उन्होंने 3 ब्लॉकबस्टर मूवी दी है, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावती। आपको बता दें कि दीपिका अभी अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। शादी के बाद उनका एक मैगजीन के लिए दिया गया फोटोशूट सामने आया। बात करें दीपिका और रणवीर के हनीमून की, तो अभी दोनों अपने कामों में बिजी हैं और इन दोनों का ही हनीमून पर जाने का फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है। वेल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ बॉलीवुड की कुछ हसीनाएं थी जो शादी के बाद कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई है, तो वहीं बॉलीवुड में हाल ही जिन दो एक्ट्रेसेस ने शादी की, यानी कि दीपिका और प्रियंका ने, उनके पास अभी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि अभी इनको हनीमून पर जाने का भी वक्त नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी काफी जानी मानी एक्ट्रेस है और अब वो बॉलीवुड के साथ साथ अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करेगी। और फिलहाल अपनी बॉलीवुड फिल्म द स्काई स्पिन के बाद ही वो अपने पति निक जोनस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली हैं। वहीं दीपिका पादुकोण की अगर बात की जाए, तो आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण के हनीमून का अभी तक कोई प्लान सामने नहीं आया है। लेकिन कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह और दीपिका अपने कामों से फ्री होने के बाद काफी लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं और दोनों ही एक हनीमून प्लान करेंगे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला कि ये दोनों कहां जाने वाले हैं और कब जाने वाले हैं, लेकिन जब ये दोनों काम से फ्री होंगे तभी अपने अपने हनीमून पर निकल जाएंगे। हेलो भैया, कितना खींचो? डिसाइड ऑन सेंटर, सेंटर ऑल ऑफ यू सेंटर। थैंक यू। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड की कुछ ऐसी हसीनाओं से रूबरू करवाया जो एक वक्त पर बॉलीवुड में राज करती थी। बॉलीवुड फिल्मों में इनका ही डंका बोलता था, लेकिन अब एक वक्त ऐसा है जब ये बॉलीवुड फिल्मों में नजर ही नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ हाल ही में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद इनके पास हनीमून पे जाने तक का टाइम नहीं है, क्योंकि ये अपनी बॉलीवुड फिल्मों में कोई हॉलीवुड फिल्मों में इतनी ज्यादा बिजी है कि इनको शादी के बाद अपने पतियों के साथ टाइम स्पेंड करने तक का अभी तक वक्त नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दे दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी ही तमाम मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए बॉलीवुड की और भी चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।